बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी अपराधी तांडव करने से बाज नहीं आ रहे। लखीसराय अमहरा ओपी क्षेत्र के अमहरा रामनगर गांव में गुरुवार की देर शाम बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अमहरा पंचायत के मुखिया पति निरंजन साव की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने निरंजन साव को उसके घर के पास ही गोली मारी। गोली लगने के बाद इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल में उसे लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि निरंजन साव का गांव के ही कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था। इस घटना में दोनों पक्ष के बीच तनाव चल रहा था। गुरुवार की शाम मुखिया पति अपने कुछ समर्थकों के साथ गांव के ही दुर्गा मंदिर के पास थे, तभी चार पांच की संख्या में आए अपराधियों ने निरंजन साव को गोली मार दी। ग्रामीणों के अनुसार निरंजन साव की हत्या आपसी रंजिश के कारण हुई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद SDPO रंजन कुमार ने घटना स्थल पर पहुँच कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताया जाता है कि निरंजन साव का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और उसके विरुद्ध थानों में कई मामले दर्ज हैं। हाल ही के दिनों में वह जेल से भी छूटकर बाहर आया था। पूर्व के आपराधिक इतिहास रही है, मुखिया पति है वर्तमान में निरंजन साव, और गांव के ही पांच छह नामजद है जिन कुछ दिन पहले वाद विवाद हुआ था, लेकिन सामने भौतिक रूप से नहीं आया था, उन्हीं के द्वारा षड्यंत्र रचित किया था। कितना गोली मारा गया ये अभी पोस्टमार्टम के बाद ही हम आपको डिक्लेयर कर सकते। कहाँ पर घटना हुई है? अमहरा में, जहाँ इनके घर के पास ही बैठे हुए थे उसी से। कितने के संख्या में थे सर अपराधी? अभी तक तो चार पांच आदमी का नाम आ रहा है, बाकी अनुसंधान क्रम में जो आएगा उसके आगे क्या कुछ कार्रवाई। अरेस्टिंग अभी तुरंत हो रही है, रेड वगैरह हो रहा है, बाकी हम लोग जो कार्रवाई है उसकी।